बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ गैंग रेप किए जाने के मामले में पुलिस ने गुरुवार की देर शाम 4 लोगों पर केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 23 मई को मेरी 17 वर्षीय बहन रात 9 बजे घर से कुछ दूर शौच के लिए गई थी, जहां थाना क्षेत्र के गजहर महू गांव निवासी उत्तम उपाध्याय, दीपक उपाध्याय, सचिन उपाध्याय तथा प्रतापगढ़ निवासी सूरज ने उसका मुंह बांध कर बारी बारी से दुराचार किया। पीड़िता लोक लाज के भय से 2 दिनों तक घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी। जब दुराचारियों द्वारा गुरुवार को रेप से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तो परिजन सदमे में आ गए। बहन से पूछताछ किया तो उसने आपबीती परिजनों को बताई। पुलिस ने भाई की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुट गई है। इस बाबत पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि 4 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पीड़िता को चिकित्सक परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 23 मई 2022 को 4 अभियुक्तों के द्वारा उसकी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटित की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना बदलापुर में अभियोग पंजीकृत करते हुए चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।